वेलकम बैक दोस्तों, आज हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं सुपरमैन फॉर टुमोरो का। लेकिन उससे पहले आप ये ट्रेलर देख लीजिए। I don't want him to feel different. He is different. He lifted a tractor with one finger, Martha. Whoever put him in that ship had no idea or care for how dangerous a world they were sending him to. Breaking news. An unidentified object heading towards Earth was detected by Star Labs. Look! Up in the sky! Why are you here? Why are you here, Kryptonian? Lois, and you are? I'm Clark Kent. Planet is protected, alien. It's ass whooping time. I thought Martians only existed in the movies. Those movies are terrible. Are you right, Miss Lane? What's the S for? Superman. Those people are in grave danger. Let them go! My name is Kal-El of Krypton, and I come in peace. तो दोस्तों, ये था सुपरमैन मैन ऑफ टुमोरो का ट्रेलर, जो कि एक डीसी का अपकमिंग एनिमेटेड मूवी है और ये रिलीज होने वाला है 23 अगस्त 2020, यानी कि इसी साल। तो ये सुपरमैन का ओरिजिन का एक रिटेलिंग है, मतलब वही ओरिजिन स्टोरी एक नए अंदाज में आपके सामने पेश किया जाएगा। और इसमें हम लोग सुपरमैन का कुछ क्लासिक विलेन से भी मिलने वाले हैं, जैसे कि लेक्स लूथर, जो कि सुपरमैन का आर्क नेमेसिस है। एक बिलियनियर और जीनियस होने के बावजूद लेक्स अपना पैसा और दिमाग गलत इंटेंशंस में इन्वेस्ट करता है और इसलिए एक बहुत बड़ा विलन है। फिर हम लोग मिले पैरासाइट से। पैरासाइट एक एनर्जी सकिंग वैम्पायर है, मतलब ये क्रीचर किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसको यूज़ करने का क्षमता रखता है। और फिर हम लोग मिले लोबो से। लोबो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है दोस्तों। ये एक बहुत बड़ा इंटरगैलेक्टिक बाउंटी हंटर है, यानी कि अगर इसको सही रकम दिया जाए तो ये ब्रह्मांड के किसी भी कोने में जाके किसी का भी कत्ल करने के लिए निकल पड़ेगा। तो ये अर्थ पे आया है सुपरमैन को मारने के लिए, तो ज़रूर किसी ने लोबो को सुपारी दिया होगा। चलिए विलन्स को साइड करते हैं। हम लोग सुपरमैन के करीबी दोस्त और एक दूसरे सुपर हीरो से भी मिले, जो कि है मार्शियन मैन हंटर, यानी कि जॉन जोन्स। और इसका पावर्स भी बहुत कूल है, जैसे कि टेलीपैथी, शेफ शिफ्टिंग, फ्लाइट, सुपर स्ट्रेंथ और भी बहुत कुछ। तो सुपरमैन और मार्शियन मैन हंटर का डुओ भी हम लोगों को इधर देखने के लिए मिलेगा। और आई होप दिस मूवी इज़ रियली इंटरेस्टिंग, बिकॉज सुपरमैन का ओरिजिन होने के साथ साथ उसका अर्ली ईयर्स एज अ सुपर हीरो भी है इस मूवी में। उसका ट्रांसफॉर्मेशन From being Clark Kent of Smallville to the Superman of Metropolis, वही है इस मूवी का फोकस। जबकि Superman for Tomorrow, यानी कि ये कॉमिक बुक कम्प्लीटली डिफरेंट है प्लॉट वाइज, बिकॉज ये Superman का एक मिड लाइफ इवेंट है। Superman has already established himself as a superhero, और उसका लाइफ में एक बहुत बड़ा इवेंट है जो इस बुक में दिया गया है। तो इसके साथ दोस्तों कन्फ्यूज मत होइएगा मूवी के साथ, जस्ट बिकॉज दे हैव सम सिमिलरिटीज इन द नेम। Superman और Tomorrow, ये दोनों वर्ड को कॉमनली यूज़ किया गया है इस मूवी का टाइटल और इस कॉमिक में, लेकिन इन दोनों का प्लॉट में कोई रिलेशन नहीं है। तो चलिए, अगर ये कन्फ्यूजन साइड हो जाए तो हम लोग सुपरमैन फॉर टुमोरो का रिव्यू के साथ आगे बढ़ते हैं। सुपरमैन फॉर टुमोरो लिखा है ब्रायन अज़ारेलो ने और आर्ट वर्क किया है जिम ली ने। तो चलिए पहले देखते हैं इनको प्लॉट के बारे में क्या कहना है। मिलियंस ऑफ पीपल हैव वैनिश्ड विदाउट अ ट्रेस, पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, लव्ड वंस, नो वन इज लेफ्ट अनअफेक्टेड, नॉट इवन सुपरमैन। After an entire year, the mystery remains unsolved and the Man of Steel's resilience and faith are being tested as never before. For a hero who tries to have all the answers, it's a torture. Just as the action heats up, the stakes are raised and Superman draws closer to the truth. One huge question emerges. Just how far is Superman willing to go for tomorrow? Collecting Superman issues 204 to 215. So, ye dosto ek 12 issues ka mini series hai. और ये सारे का सारे 12 इश्यूज़ इस बुक में कलेक्टेड फॉर्म में दिया गया है। तो ये 320 पेजेस, यानी या 320 पेजेस का एक बहुत बड़ा बुक है। तो इसका प्लॉट बेसिकली दोस्तों यही है कि बहुत सारे लोग अर्थ से वैनिश हो जाते हैं,
पता नहीं क्यों होते, कैसे होते, कुछ पता नहीं चलता। पहले का 6-7 इश्यूज में यू विल बी कम्प्लीटली लॉस्ट, आपको समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन है इसके पीछे, विलेन कौन है, विलेन का इंटेंशन क्या है, कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन फिर आपको धीरे धीरे इशू 7, 8, 9, 10, 11 और 12 में जाके आपका आइडिया थोड़ा थोड़ा क्लियर होगा। तो बेसिकली होता यही है दोस्तों कि आज अगर कोई मुसीबत आए तो सुपरमैन शायद उसको टाल दे, लेकिन कल अगर कोई मुसीबत आ रहा है तो सुपरमैन आज ही उसके लिए कैसे प्रिपेयर्ड रह सकता है, कैसे वो अर्थ को एक दूसरा क्रिप्टॉन होने से रोक सकता है। आपको अगर पता ना हो तो सुपरमैन का प्लैनेट, एक्चुअल प्लैनेट जो था, सुपरमैन एक एलियन है तो उसके एक्चुअल प्लैनेट का नाम था क्रिप्टॉन, तो क्रिप्टॉन डिस्ट्रॉय हो गया था। सुपरमैन नहीं चाहता कि अर्थ भी क्रिप्टॉन की तरह डिस्ट्रॉय हो जाए ऑल ऑफ अ सडन, तो उसके लिए सुपरमैन एक कॉन्टिंजेंसी प्लान बनाता है, एक प्लान बी, जिसका नाम वो एक रखता है कि मेट्रोपिया था। तो सुपरमैन एक एक्स्ट्रा डायमेंशनल स्पेस बनाता है, एक स्वर्ग जैसा एक उटोपिया है जिसका नाम रखता है मेट्रोपिया, और सुपरमैन खुद बहुत सारे लोगों को टेलीपोर्ट करके उधर भेज रहा है। लेकिन क्या ये एक परफेक्ट सोल्यूशन है कल का प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए, वो ये बुक पढ़ के आपको पता चलेगा, क्योंकि यही आखिर में साबित होता है कि सोल्यूशन जो सुपरमैन ने निकाला ये नया प्रॉब्लम्स को राइज दिया है। जैसे कि सुपरमैन का एक पुराना एनिमी जो है जनरल जॉर्ड, जनरल जॉर्ड अगर कौन है ये आपको नहीं पता, तो वो भी एक क्रिप्टोनियन है, यानी कि जनरल जॉर्ड का पावर्स भी सुपरमैन जैसा ही है अर्थ पे। तो मेट्रोपिया पे जॉर्ड का हमला होता है और सुपरमैन को उधर भी सेव करना पड़ता है। तो ये सोल्यूशन काइंड ऑफ लाइक फेल होता है, एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंटल फेलियर होता है। तो बेसिकली यही प्लॉट है दोस्तों। तो आपको पहला हाफ में पता भी नहीं चला कि जनरल जॉर्ड ही में है मेन विलेन इस स्टोरी का, तो इतना कंफ्यूजिंग है दोस्तों। तो ये डेफिनेटली सुपरमैन का एक मस्ट बाय बुक में से तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन जिम ली का आर्ट वर्क इसमें देखने लायक है दोस्तों, इसको देख सकते हैं, बहुत ही लाजवाब है जिम ली का आर्ट स्टाइल। तो इस बुक में सुपरमैन का बहुत इंट्रोस्पेक्शन रेट्रोस्पेक्शन दिया गया है। एक चर्च का फादर है जो कैंसर से सर्वाइव कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, तो उनके साथ सुपरमैन का बहुत सारा डायलॉग्स है, तो मिडिल में बहुत बोरिंग हो जाता है। बस जिम ली का आर्ट ही एक चीज़ है जो विच विल कीप यू गोइंग, यू नो। तो स्टोरी वाइज दोस्तों ये खास इम्प्रेसिव नहीं लगा मुझे, हालांकि बहुतों को सुपरमैन फॉर टुमोरो बहुत अच्छा लगा, बट पर्सनली मुझे डेफिनेटली नहीं लगता कि ये सुपरमैन का मस्ट बाय में से गिना जाएगा। तो हाँ दोस्तों, जिम ली का आर्टवर्क ही मेरे लिए इस बुक का प्लस पॉइंट है। तो विद दैट बीइंग सेड गाइस, मैं मिलूंगा अगले वीडियो में एक दूसरे सुपरमैन का कॉमिक बुक के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।